नमस्ते दोस्तों, लॉजिक टच पर आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रा गर्ग। आज हम संयुक्त वर्णों के बारे में जानेंगे। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, उनको कैसे प्रयोग में लाते हैं, कौन कौन से अक्षर मिलकर वो संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। दोस्तों, संयुक्त वर्ण पहले जानिए कि क्या होते हैं। संयुक्त वर्ण दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसमें एक वर्ण आधा होता है और एक पूरा होता है। मतलब ये कि एक वर्ण स्वर रहित होता है जो पहला होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। तो इस तरीके से ये संयुक्त वर्ण बन जाते हैं। जैसे मैं आपको पहला बताती हूँ, सबसे पहला संयुक्त वर्ण ये है द्वा। द्वा में बहुत सारे जगहों पर बहुत से शब्दों में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं, दो, जिसमें द आधा है और व पूरा है। देखने में ऐसा लगता है कि व आधा है और द पूरा है, लेकिन वास्तव में द आधा है और व पूरा है। इसको बोलते हैं द्व। इसके शब्द कैसे बनते हैं, द्वारा, द्वार, द वा मिलाएगा, द्वार। द्वितीय, द्वितीय मतलब सेकंड, द्वितीय। अगला संयुक्त वर्ण है ध। ध, ध्यान से देखिए, ध, मैं क्या बोल रही हूँ, ध, द और ध मिलाकर बनाए गए हैं ध। बहुत से वर्णों में आप देखते होंगे इसका प्रयोग होता है, बहुत से शब्दों में जिसमें द आधा होता है, ध पूरा होता है। इसमें भी देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ध आधा है, द पूरा है, जबकि वास्तव में वो नीचे लगा है, वो पूरा है, द आधा है, ध, द आधा हलंत के साथ और उसमें ध जोड़ दिया गया है। तो इससे बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, देखिए, योद्धा, योद्धा, युद्ध, युद्ध, द और ध मिलाकर बन रहे हैं युद्ध। प्रसिद्ध, 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 तो ये द और ध मिलाकर बने। अगला संयुक्त वर्ण है द्या। द्या, ध नहीं है, द्या। तो इसमें आधा द मिला है और या मिला है, इसका स्वरूप भी बदल जाता है द्या लिखने से। विद्या, जब हमने ये लिखा विद्या, तो इसमें द और या जुड़ा हुआ है, विद्या। तो इसे हम विधा नहीं पढ़ेंगे, विद्या पढ़ेंगे। इससे और शब्द बनता है विद्यालय, विद्यालय। वैद्य, वैद्य, वैद्य जी जो कहते हैं, डॉक्टर होते हैं उनको वैद्य जी भी होते हैं, वो वैद्य, तो इसमें भी द्या लगा हुआ है। अगला संयुक्त वर्ड है हन। हन, 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 न होता है वैसे, इसका प्रोनाउंसिएशन न होता है, लेकिन हन करके होता है। ये ह के नीचे ना लगा रहता है, ना लगा रहता है, हन, हन, कैसे पढ़ते हैं, हन। इसको जब हम किसी शब्द के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जैसे मैंने लिखा चिन्ह, चिन्ह को इस रूप में भी लिखा जाता है, जैसे ह के नीचे ना लगाकर और ना आधा लगाकर ह लगाकर भी चिन्ह लिख दिया जाता है। दोनों रूप में चिन्ह इस तरह लिखा जा सकता है, चिन्ह, चिन्ह, ह पहले आता है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि ना पहले आ रहा है। अगला संयुक्त वर्ण है हम, 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 ये ह, ह के नीचे उसी में जोड़कर म लिखा हुआ है, तो इसमें ह आधा है और म पूरा है। इसमें ह भी आधा देखने में लग रहा है, म भी आधा लग रहा है देखने में, लेकिन वास्तव में ये ह आधा है, म पूरा है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मा। तो इसमें हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ह के नीचे हरंत लगाकर आधा ह और म भी लिख सकते हैं, ब्रह्मा। लेकिन पुस्तकों में बहुत जगह ह के अंदर माँ मिलाकर लिखा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह भी हम संयुक्त वर्ण लिखते हैं, ह में अंदर माँ डालकर लिखते हैं, इसमें ह आधा होता है, माँ पूरा होता है। अगला संयुक्त वर्ण है क्ष। क्ष, छा नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे क्ष, क्ष। इसमें क और श मिला रहता है, का आधा होता है और श पूरा होता है। देखिए कैसे बनता है, का के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा है और श, श पूरा है, जिसमें स्वर मिला हुआ है अ का। तो क्ष, क्ष से बनने वाले शब्द हैं कक्षा, कक्षा, कक्षा नहीं कहेंगे, कक्षा, क्षत्रिय, क लगा करके बोल रहे हैं, कक्षत्रिय, क्षमा,
क्षमा, तो क्ष अंदर क के साथ क्ष निकलता है तब ये क्ष होता है। अगला संयुक्त वर्ण है त्र, त्र इसमें ता आधा है, ता के नीचे हलंत है, ता आधा है और र पूरा है, तो इसको हम पढ़ते हैं त्र। त्र में भी रूप बदल गया, हालांकि त के नीचे र लगा कर भी लिख सकते हैं लेकिन त्र दूसरे रूप में लिखा जाता है। इसके बनने वाले शब्द कौन से हैं? नेत्र, नेत्र, त्र, नेत्र, नेत्र। त्रिशूल, त्रिशूल, तो त्र आया और शूल। अगला वर्ण है ज्ञा, ज्ञा में जा आधा होता है, ङा पूरा होता है जो पंचमाक्षर होता है, च वर्ग का जा और यहाँ जा आधा यहाँ पूरा, तो ये बन गया ग्या। इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है ग्या। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान, अविज्ञान, अनभिज्ञ, ये सभी ज्ञा से बनने वाले शब्द हैं। और अगला शब्द है जो संयुक्त रूप से लिखा जाता है श्र, श्र, जिसमें श आधा है और र पूरा है। श्र, श्र से बनने वाले शब्द हैं श्रमिक, श्रमिक, इसमें भी रूप देखिए बदल जाता है, श और र मिलाकर श्र हो जाता है, तो इसको श्रमिक, श्रम, परिश्रम, परिश्रम, तो इसमें श्र है। चार वैसे तो मुख्य संयुक्त व्यंजन होते हैं जो वर्णमाला में भी होते हैं। ये कौन से होते हैं जो वर्णमाला में भी होते हैं संयुक्त व्यंजन? छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनका सबका चारों का आप देखिए स्वरूप भी बदल रहा है, तो आपको ये संयुक्त वर्ण समझ में आ गए होंगे। तो देखते रहिए लॉजिक टच, इसको सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। बाय।